हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। Jai Lakshmi Mata।
तत्काल इस राक्षस को नष्ट कर दो। नहीं नहीं सेनापति, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इस पवित्र यज्ञ भूमि को एक राक्षस के रक्त से अपवित्र करने जा रहे हैं। महारानी महारानी, यदि हमने इस राक्षस को नहीं मारा तो ये महाराज के यज्ञ को ध्वस्त कर देगा। इस यज्ञ को तो कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता है महामंत्री, ये यज्ञ तो साक्षात माता महालक्ष्मी की इच्छा है। और यह यज्ञ संपन्न ना हो, राक्षस राज दुर्जय की इच्छा है। सुन लिया महारानी, ये राक्षस यज्ञ नहीं होने देगा। स्वाहा। ये यज्ञ अवश्य होगा महामंत्री, ये यज्ञ तो अवश्य होगा। माता महालक्ष्मी संकट मोचन है, वही इस संकट का निवारण भी करेगी। मैं तुम्हारे इस भ्रम का निवारण इसे क्षण करूंगा। रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं। मुझे अपनी माया से भरमा नहीं सकते, ना ही तुम डरा सकते हो। मैं डर कर भागने वाला नहीं, मैं जाऊंगा तो यज्ञ ध्वस्त करके जाऊंगा। हे मातेश्वरी, हे माता महालक्ष्मी, आपके होते हुए एक दुष्ट राक्षस इस यज्ञ को ध्वस्त करके आपका अपमान करेगा। हे मातेश्वरी, अब आप ही हमारे इस यज्ञ की सुरक्षा कर सकती हैं। हे मातेश्वरी। बचाइए, मैं जल रहा हूँ, मेरा शरीर नर की भट्टी बन गया है। राक्षस राज, मुझे बचाइए राक्षस राज। हे माता महालक्ष्मी, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी कृपा दृष्टि हम पर इसी प्रकार सदा ही बनी रहे। माता महालक्ष्मी की जय। माता महालक्ष्मी की जय। माता महालक्ष्मी की जय। माता महालक्ष्मी की। देवी, आपकी तरह विधि भी कुकर्म करने वाले को कुकर्म करने से पहले इसके बुरे परिणाम का संकेत देती है, और इस संकेत को अनदेखा करने का परिणाम लंबकर्ण जैसा ही होता है।
हाँ प्रभु, अब मैं लंबकर्ण के माध्यम से राक्षस राज दुर्जय को संकेत देना चाहती हूँ कि जो दूसरों को ध्वस्त करना चाहता है वो स्वयं ध्वस्त हो जाता है। परंतु देवी, यदि लंबकर्ण की भांति राक्षस राज दुर्जय भी आपका संकेत ग्रहण नहीं कर सका और उसने रत्नाकर के महायज्ञ को ध्वस्त करने का प्रयास किया तो फिर मुझे ही राजा रत्नाकर के महायज्ञ की सुरक्षा करनी होगी। देवी महालक्ष्मी, ये यज्ञ आपकी ही इच्छा है, इसकी सुरक्षा आप ही को करनी चाहिए। अब तक तो लंबकर्ण ने रत्नाकर के महायज्ञ को ध्वस्त करके महायज्ञ की भूमि को शमशान भूमि में बदल दिया होगा। हाँ असुरराज, आपका ये महाबलवान राक्षस महाविनाशक है। असुरराज, यज्ञ के विनाश का शुभ समाचार लेकर लंबकर्ण आता ही होगा। लंबकर्ण आएगा, अवश्य आएगा। वान निर्भय प्राण, तुम भी हमारी खुशियों में हाँ मिलाने लग गए। बड़ी जल्दी तुम्हें बुद्धि प्राप्त हो गई। तुम भी हमारे मन की बात कह रहे हो कि लंबकर्ण आएगा, लंबकर्ण अवश्य आएगा। हम खुश हुए, हम आनंद से आत्मविभोर हुए। हाँ दुर्जय, लंबकर्ण अवश्य आएगा। यदि वो रत्नाकर के यज्ञ में भस्म नहीं हुआ होगा तो वो अपना मुंह फाड़ता और दुहाई देता हुआ आएगा। निर्भय प्राण, हमने तुम्हारे विषैले दांत कुचल दिए, फिर भी तुमने डसना नहीं छोड़ा। क्या करूं दुर्जय, मेरी जिह्वा को सत्य कहने की आदत पड़ गई है और देवी महालक्ष्मी की कृपा से मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो सत्य हो जाता है। देखना, लंबकर्ण आएगा, दुहाई देता हुआ आएगा। राक्षसराज, मुझे बचाइए राक्षसराज, मुझे बचाइए राक्षसराज, मुझे बचाइए राक्षसराज, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए राक्षसराज, मुझे बचाइए राक्षसराज, मुझे बचाइए राक्षसराज। देख लो दुर्जय, तुम्हारा सबसे महान बलवान राक्षस आ गया। मुझे बचाइए राक्षसराज, मुझे इस यातना से बचाइए। मेरे शरीर का कण कण नर के अंगारों की भांति दहक रहा है। असुरेश्वर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाइए असुरेश्वर, मुझे बचाइए। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? मैंने उस महायज्ञ को ठोकर मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा पग उस यज्ञ को छुआ, मेरे शरीर में अग्नि प्रवेश कर गई। जैसे नाग ने मुझे डस लिया और विष घुस गई सारे शरीर में। राक्षस राज, मुझे इस वेदना से, मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दिलाइए राक्षस राज। तुम्हें इस प्रकोप से वही मुक्त कर सकता है जिसने तुम्हें ये दंड दिया है। मुझे शीघ्र बताइए कौन है वो, मैं उसकी शरण में जाऊंगा। देवी महालक्ष्मी से क्षमा की याचना करो। नहीं, लंबकर्ण एक असुर है और एक असुर किसी दुर्बल और निर्बल देवी के आगे हाथ नहीं जोड़ सकता, घुटने नहीं टेक सकता। हम असुर शक्तिशाली है, शक्तिमान है और शक्तिमान किसी के आगे झुकता नहीं। निर्भय दुर्जय, ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है, परंतु सत्य ये है कि शक्ति से श्रेष्ठ भक्ति होती है और याद रखो, भक्ति ही मुक्ति प्रदान करती है। तुम हम असुरों को बहकाना चाहते हो निर्भय? बहकाना नहीं, समझाना चाहता हूं दुर्जय। महाशक्ति,
महादेवी महालक्ष्मी की शरण में जाओ और अपनी सारी शक्ति उसके चरणों में अर्पण कर दूं। क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है निर्भय? तुम्हारी शक्ति तो उसी शक्ति देवी महालक्ष्मी की देन है, फिर इस पर इतना गुमान क्यों? देवी लक्ष्मी की शक्ति से देवी को ही चुनौती देना तो ऐसा ही है जैसे जिस माँ का दूध पीकर बालक बड़ा होता है और बड़ा होकर अपनी माता पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। बंद करो अपना ये उपदेश। तुम मुझे महालक्ष्मी की शक्ति से भयभीत करना चाहते हो। हमें इस असुरेश्वर दुर्जय को राक्षस राज, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं मर गया। मुझे बचाइए राक्षस राज। देख लिया दुर्जय, तुम्हारी सबसे महान शक्ति लंबकर्ण का क्या हाल हुआ? यदि तुमने भी अपना हट नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। निर्भय, मैं कोई लंबकर्ण नहीं हूं जिसका परिणाम वैसा होगा। हम दुर्जय हैं, दुर्जय। महालक्ष्मी, यदि महालक्ष्मी अग्नि है तो मैं काल हूं और काल बनकर ही रत्नाकर की नगरी पर टूट पड़ूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम माता महालक्ष्मी को चुनौती दोगे? नहीं, चुनौती नहीं, मैं उसे मृत्यु दूंगा, मृत्यु। तुम भूल रहे हो दुर्जय कि तुम अमर नहीं नश्वर हो, एक नश्वर प्राणी। निर्भय, मैं नश्वर नहीं विनाशक हूं, विनाशक नहीं महाविनाशक हूं। और अब मैं स्वयं ही अपनी विशाल और विकराल सेना को लेकर रत्नाकर के महायज्ञ को ध्वस्त करूंगा और मैं देखता हूं कि महालक्ष्मी मुझे कैसे रोकती है। राक्षस राज, वन में ये सुंदरी कहां से आ गई, वो भी अकेली? हे सुंदरी, कौन हो तुम और इस वन में क्या कर रही हो? मैं तुम्ही से मिलने आई हूँ। वाह महाराज वाह, लगता है ये आपके शौर्य की प्रशंसा सुनकर आप पर मोहित हो गई है और आपसे मिलने चली आई है। आप भाग्यशाली हैं महाराज। तुमने बिल्कुल सत्य कहा सेनापति, लगता है मुझे अपने भाग्य पर गर्व करना होगा। तुम्हारे प्रारब्ध ने ही आज हम दोनों को आमने सामने खड़ा किया है। हे सुंदरी, तुम इतने घमंड से क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने असुरेश्वर दुर्जय खड़े हैं? मैं घमंडी नहीं हूँ, बल्कि घमंडियों का घमंड तोड़ना मेरा धर्म है। तो फिर तुम क्यों असुरेश्वर का रास्ता रोके बैठी हो? इसलिए कि जब कोई अधर्मी धर्म के रास्ते में बाधा डालता है तो मैं उस बाधा को ही हटा देती हूँ। इसका अर्थ ये है कि तुम हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हो। लगता है तुम्हें हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है सुंदरी। बात उल्टी है असुरराज, तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अच्छा महाराज, ये तो कोई मायावनी लगती है। तुम्हारा सेनापति सत्य ही कह रहा है दुर्जय। अच्छा, इसका अर्थ यह है कि तुम मायाविनी हो। मायाविनी नहीं, महामाया हूँ।
महामाया हो तुम और तुम मुझे भ्रमित करने आई हो। भ्रमित नहीं, सावधान करने आई हूँ। किस बात के लिए सावधान करने आई हो सुंदरी? दुर्जय, राजा रत्नाकर एक समुद्र की भांति है। ऐसा समझ लो कि वो स्वयं ही एक समुद्र है। अच्छा, तो तुम्हें भी पता है कि हमें राजा रत्नाकर से शत्रुता है। परंतु तुम्हें ये नहीं मालूम दुर्जय कि राजा रत्नाकर एक गहरा समुद्र है, धीर गंभीर है। इसीलिए वो एक समुद्र की भांति तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करते आए हैं। परंतु याद रखो दुर्जय, मैं तुम जैसे अधर्मी को क्षमा नहीं करती। यहां से आगे बढ़ने का तुमने प्रयास किया तो तुम्हारा कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। सुंदरी, तुम मुझे, इस दुर्जय को, इस असुरेश्वर को चुनौती दे रही हो। नहीं दुर्जय, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं नहीं जानता था कि राजा रत्नाकर भी मायावी है जिसने अपनी माया से तुम्हारा निर्माण किया है। तुम अज्ञानी हो दुर्जय, इसीलिए अब तक मुझे पहचान नहीं सके। मूर्ख, मैं किसी की माया नहीं हूँ। ये सृष्टि मेरी ही माया है। मैं महामाया हूँ, ब्रह्म स्वरूपिनी हूँ। मैं हूँ इसीलिए ब्रह्म है। यदि मैं न होती तो ये ब्रह्म भी न होता, ये सृष्टि न होती, तुम भी न होते। ये बार बार आपको धमकी दे रही है महाराज। मैं रत्नाकर जैसे भक्तों की शक्ति हूँ, इसीलिए दुर्जय मैं तुम्हें ये आदेश देती हूँ कि तुम जिस मार्ग से यहाँ तक आए हो उसी मार्ग से अपनी नगरी तक वापस लौट जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। और यदि मैं नहीं लौटा तो मैं तुम्हें मृत्यु के दर्शन कराऊंगी। दुर्जय पर मृत्यु विजय प्राप्त करेगी। सेनापति, दुर्जय पर मृत्यु विजय प्राप्त करेगी। हे मूर्ख सुंदरी, तुम्हें नहीं पता कि दुर्जय पहले से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। मृत्यु तो उसके सामने हाथ जोड़े प्रत्यक्ष खड़ी रहती है और दुर्जय के एक इशारे पर उसके हाथ में तलवार बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ती है और उनकी लाशों का ढेर लगा देती है। युद्धों के उपरांत युद्ध भूमि में अर्थिया होती है, लेकिन उठाने वाले कंधे नहीं होते, मुर्दे पड़े होते हैं, परंतु उन पे रोने वाला कोई नहीं होता। नदी नालों में पानी की बजाय खून बहता है, खून। और तुम मुझे इस चेतावनी से भयभीत करना चाहती हो। मृत्यु मेरी दासी है, स्वामिनी नहीं। मृत्यु और समय किसी के अधीन नहीं होते दुर्जय, और इस भ्रम में मत रहना कि इस नश्वर संसार में कोई अमर है। मृत्यु का स्वाद हर प्राणी को चखना पड़ता है। मानव रूप में यदि भगवान भी अवतार ले लें तो उनके शरीर को भी मृत्यु आती है। इसीलिए हे प्राणी, अपनी मृत्यु से डरो। दुर्जय किसी से भयभीत नहीं होता, बल्कि दुर्जय का जन्म ही दूसरों को भयभीत करने के लिए हुआ है। दुर्जय, तुम्हें अज्ञानी समझकर मैंने तुम्हें अपने परिणाम से परिचित करा दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें अज्ञान के अंधकार में रखकर कोई दंड देना नहीं चाहती। सेनापति, ये सुंदरी मुझे दंड देगी। ये सुंदरी मुझे दंड देगी। दुर्जय, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है और अब मैं तुम्हें राजा रत्नाकर का महायज्ञ ध्वस्त करने नहीं दूंगी। थोड़ी ही देर में तुम और तुम्हारी सेना छिन्न भिन्न होकर भागती दिखाई देगी। दुर्जय, तुम्हें दंड देने से पहले मैं अंतिम बार बता रही हूँ कि राजा रत्नाकर का यज्ञ सफल होगा और उन्हें पुत्री के रूप में जो संतान होगी, यदि उसकी ओर तुमने वक्र दृष्टि से देखा तो वही तुम्हारी मौत बन जाएगी। नहीं,
राजा रत्नाकर की कोई संतान नहीं होगी। मैं संतान होने ही नहीं दूंगा, और यदि हुई तो वो तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले हम तुम्हें देखेंगे। सेनापति, इसे बंदी बना लो। दुष्ट, मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देती हूँ, वापस जाते हो कि नहीं। आक्रमण! दुरात्मा दुर्जय, जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया से तुम द्वेष करते हो, जिनका संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला महायज्ञ तुम ध्वस्त करना चाहते हो, वही राजा रत्नाकर और रानी विजया तुम्हारी मृत्यु को जन्म देंगे। उनकी संतान तुम्हारी मृत्यु बनेगी। कुमारी कन्याओं के पूजन पर तुम प्रतिबंध लगा रहे थे ना, परंतु याद रखो दुर्जय, तुम्हारी मृत्यु एक ऐसी ही कुमारी कन्या से होगी। जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा शीतल।